हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, एलजी फ्लैट रन 21 इंच। दोस्तों, ये एलजी का 21 इंच फ्लैट रन टीवी है। इसका प्रॉब्लम है कि इसमें जब हम आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो बार बार ब्लो हो जाता है, कट जाता है वो बार बार ट्रांजिस्टर। तो ये बहुत ही परेशान करने वाला प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊँगा इसका रीजन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, कब आता है ये प्रॉब्लम, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, देखते हैं। तो मैं ये वीडियो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा क्या कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये है आपका एलजी का पीसीबी। मैं दिखा देता हूँ इसका प्रोसेसर क्या है। TDA 12135PS N3x3 MB5। इसका वर्टिकल IC LA78040। इसका EST है 6002। तो फ्रेंड्स, मैं आपके आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, LG के कुछ EST जैसे कि 6002 हो गया, या फिर 6006N हो गया, या फिर 1682, ये जो तीनों EST है ये सेम है। फर्क सिर्फ इतना है, इसका जो अपना वीडियो लाइन होता है 180 वोल्ट का, सिर्फ 602 में यहाँ पे कलेक्टर से वाइंडिंग दिया रहता है, और जो 6006N है वहाँ से वो सेपरेट ग्राउंड के साथ कॉइल वाइंडिंग किया रहता है। फ़र्क सिर्फ उतना है, आप 6006N के जगह 6002X लगाएंगे तो भी चलेगा, वहाँ पे 1682 वाला ESTB लगाएंगे तो भी चलेगा। तो इसका प्रॉब्लम क्या है इसमें दोस्तों, देख सकते हैं हमारा ये जो बीव होता है एच आउट ट्रांजिस्टर, ये बार बार उड़ जा रहा है, शॉर्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 ट्रांजिस्टर ख़राब किए हैं, ये जिस मैकेनिक से आया था वो भी वहाँ पे 3-4 ट्रांजिस्टर ख़राब करके लाए हैं। बहुत ही ये प्रॉब्लम है, मतलब कॉमन प्रॉब्लम है, ये मैंने पहले एक दो बार फेस किया था। तो क्या किया था, तो सबसे पहले तो हमने ESD चेंज कर दिया था, जब व्यू कटा था तब भी हमने ये चेंज कर दिया था, तो लगाने के बाद वो फ्री से उड़ गया। तो मैं कन्फर्म हो गया कि योग तो सही है, ESD भी सही है, बाकी रहा पावर सप्लाई और ये PF। फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप है, पावर सप्लाई ओके है, इसका पावर सप्लाई ओके है, जो कि 132-135 दिखा रहा है, लोड पड़ने पर 110 हो रहा है। तो बाकी रहा था ये PF। दोस्तों, ये PF अगर इसका वैल्यू में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो ये सर्किट को ख़राब कर देगा और व्यू को बार बार काटेगा। देखिए, ये इसका PF है जो कि 1600 वोल्ट एंड 6N8 है। दोस्तों, ये PF मल्टीमीटर में तो सही दिखा रहा है, और जब हम इसको देखते हैं हमारे सीरीज करके 220 वोल्ट AC के साथ, तब भी सही आ रहा है, पर इसका वैल्यू थोड़ा कम है। तो आप क्या क्या कीजिएगा अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो, सबसे पहले 110 वोल्ट ओके कीजिएगा, सबसे पहले 110 वोल्ट सही होना चाहिए। दूसरी बात, का दो PF दो ही चेंज कर दीजिएगा तो भी अच्छा है। उसके बाद ESD, अगर ESD सही है तो रहने दीजिए। उसके बाद वर्टिकल IC, जी हाँ दोस्तों, अगर वर्टिकल IC शॉर्ट होगा तो भी कई केसेस में ये व्यू को उड़ा देगा। उसके बाद आपका वीडियो सेक्शन में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो PF है ये PF शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये PF शॉर्ट होना चाहिए। आपका जो 200 वोल्ट का लाइन है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर भी खुला होना नहीं चाहिए, या फिर आपका डायोड कुछ भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए अगर ये केसेस में है तो, वरना आप सिर्फ ज़्यादातर ये व्यू सिर्फ कटता है तो ESD के लिए ही कटता है, ESD अगर स्पार्किंग करता है तो ही कटता है, वरना यह सही रहता है। तो मेरे केस में ये एक्यूरेटली प्रॉब्लम था,
ESTI सही था, इसका योक भी सही था, वर्टिकल IC भी सही था, पावर सप्लाई भी सही था, तो ख़राब था हमारा PFs। तो PF हमने चेंज कर दिया है और हमारा व्यू जो है कृपया करके ओरिजिनल व्यू ही लगाएगा। मार्केट से जो व्यू आजकल आ रहा है वो लगाते ही उड़ जा रहे हैं। तो अब हम इसको लगा के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट हो गया TV। ओके, देख सकते हैं फिलामेंट भी जल गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्रीन को। देखिए फ्रेंड्स, AV1 करके लिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, यह था इस प्रॉब्लम का कॉज एंड सॉल्यूशन। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।